हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कन्वर्जेंस कैंपेन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कन्वर्जेंस आ जाता है। कन्वर्जेंस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में यहां पर सबसे पहला ही कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता है, और यहां पर अगर आप आई बटन पर देखेंगे तो लिखा होता है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक वैल्यूएबल एक्शंस सच एज मेकिंग अ परचेज और एडिंग पेमेंट इन्फो ऑन योर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे कोई भी तरह का अगर आप परचेज करवाना चाह रहे हैं या फिर कोई पेमेंट इन्फो ऐड करवाना है, कोई लीड जनरेट करना है वेबसाइट पे, तो उसके लिए आप कन्वर्जन्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन टाइप का कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको पहले वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन कहा करते थे, क्योंकि इससे वेबसाइट पे कन्वर्जन हमें मिल जाया करते थे। तो ये किस तरह का दिखता है एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं फेसबुक पर हूँ और ये एक वेबसाइट है, और यहाँ से मुझे एक ऐड है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, हे बाइकर्स चेक आउट द ऑसम कलेक्शन ऑफ बाइक टी शर्ट्स। तो कोई बाइक टी शर्ट्स का ये ऐड है, और यहाँ पे अलग अलग टी शर्ट्स है मेरे सामने। और अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉस्ट और नाम दोनों लिखा रहा है। अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं वेबसाइट पर चले जाऊँगा इनकी, और यहाँ पर जाके मैं बाय नाउ कर सकता हूँ। और बाय नाउ के बाद चेकआउट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं ये, और चेकआउट इन्फॉर्मेशन के बाद मैं एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास ये जो टी शर्ट है ये आ जाए। इसके अलावा अगर आपको कुछ बाय नहीं करवाना हो, आपको लीड जनरेट करना हो, जैसे कि टाटा मोटर्स है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स के बारे में सभी जानते होंगे कि ये लोग जो हैं, इनके कार हैं कुछ, टाटा एस है जैसे कि कुछ कार्स हैं इनकी, वो उनको सेल करने के लिए इनको कुछ लीड जनरेट करनी पड़ती है। तो ये एक उनका ऐड है, यहाँ पे गेट कोट नाम का एक बटन है, तो गेट कोट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझसे एक फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं, और ये अपनी वेबसाइट पर फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट पे अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं इनका, ये मुझे कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर मुझे टाटा एस लेनी होगी तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो इस तरह के कुछ एड्स होते हैं, इनको हम कन्वर्जन टाइप के एड्स कहते हैं, क्योंकि कन्वर्जन जो हो रहा है हमारा वेबसाइट पर हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस ऐड का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि ये ऐड जो है लोगों को वेबसाइट पर ले आता है, तो ऐसा नहीं है। ये ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचता है जो कि सबसे ज़्यादा लाइकली हो हमारा जो है ये फॉर्म भरने के लिए, या फिर अगर हम परचेज का कैंपेन चला रहे हैं तो ये ऐड उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो कि सबसे ज्यादा लाइकली हो हमारा प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि फेसबुक ऐसे लोगों को ये ऐड दिखाएगा जो कि सबसे ज्यादा लाइकली है हमारा फॉर्म भरने के लिए, या फिर हमारा जो वेबसाइट का पर्पस है वो पूरा करने के लिए। तो फेसबुक उसके लिए यूज करता है फेसबुक पिक्सल को, जिसको कि एक छोटा सा कोड होता है जो कि वेबसाइट में एडेड होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्लगइन डाला हुआ है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाला हुआ है क्रोम का, जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो डाटा है वो ट्रैक कर रहा है कि मैंने जो है इनका कुछ कंटेंट व्यू करा है। और इसी तरह से मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे देखूंगा पिक्सल, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनिशिएट चेकआउट करा है, क्योंकि तो यहाँ पर ये पिक्सल ने नोट कर लिया कि मैंने इनिशिएट चेकआउट करा है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, 599 INR है, कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है यहाँ पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक तक जा रही है, और फेसबुक उन लोगों तक पहुंचेगा जो कि परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, ना कि सिर्फ वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो ये पूरा कमाल है फेसबुक पिक्सल का। इस बारे में मैं अगली वीडियो में और डिटेल में बात करने वाला हूँ, कैसे आप फेसबुक पिक्सल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, किस तरह से आप कन्वर्जन कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं, और उसमें पिक्सल को यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन कैंपेन के साथ। तो आप समझ रहे होंगे कि जो कन्वर्जन कैंपेन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो है मेन पर्पस पूरा करके दे रहा है। कन्वर्जन कैंपेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यूजुअली मैंने देखा है कि 80-90% बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कैंपेन में ही जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सेटअप को ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जितने भी यहाँ पे कैंपेन्स बनाए हुए हैं सबके सब कन्वर्जन कैंपेन्स ही बनाए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कन्वर्जन का है। तो कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कन्वर्जन कैंपेन, एक बेसिक कन्वर्जन कैंपेन कैसे बनाते हैं, और पिक्सल बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और कुछ और एडवांस चीज़ें मैं आपको कुछ अगले वीडियोस में बताता रहूंगा। पर इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कन्वर्जन कैंपेन बनाना दिखा देता हूँ। तो आपको ये फेसबुक एड्स मैनेजर पे क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कन्वर्जन सिलेक्ट करना है। कन्वर्जन्स में यहाँ पर आपको कैंपेन का नाम, एड सेट और एड, तीन चीज़ें यहाँ पे बनाने का बोल रहे हैं, और यहाँ पे तीन चीज़ों के हमें नाम दें। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं एक नाम डाल देता हूँ कैंपेन वन, यहाँ पर एड सेट का नाम देता हूँ एड सेट वन, और ऐड का नाम देता हूँ ऐड वन, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो तीन यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी मेरे लिए, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड, ये मेरे तीनों बन गए हैं। अब एक एक करके मुझे यहाँ पे फेसबुक मांग रहा है ये तीन स्टेप्स पूरी करने, कैंपेन के लेवल की सारी सेटिंग्स, ऐड सेट के लेवल की सारी सेटिंग्स, और ऐड के लेवल की सारी सेटिंग्स मुझे पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही ये कैंपेन मेरा रेडी होगा। तो कैंपेन वन है ये मेरा।
अब यहाँ पर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मैं यूजुअली ऑन करने का ही रिकमेंड करता हूँ। आपने जितने वीडियो देखे होंगे मेरे, सभी मैं ऑन ही रखने का कहता हूँ, क्योंकि ये जो है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बजट, जिस हिसाब से कि हमारा जो भी एड सेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वहाँ ऑटोमेटिकली बजट चला जाएगा। तो ये हो गया है मेरे कैंपेन लेवल की सारी सेटिंग पूरी। अब मैं चलता हूँ एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे अब आप देख सकते हैं मेरा पिक्सल जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, पर अभी के लिए मेरा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मुझे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा इवेंट को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कॉन्टेंट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट चेकआउट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट आएँ, या फिर और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, लीड आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेज आएँ डायरेक्टली। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर एक छोटी सी एरर भी आती है कि मुझे लास्ट 14 डेज में कोई भी परचेज नहीं आए हैं, तो फेसबुक के पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस लोगों को टारगेट करे। तो यहाँ पे लिखा आ गया है योर एड मे नॉट बी ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जेंस, कि फेसबुक हो सकता है ऑप्टिमाइज ना कर पाए और रैंडमली लोगों तक पहुँचता रहे जब तक यहाँ पे इनफ कन्वर्जेंस ना मिल जाए। तो वो कितने होते हैं इनफ कन्वर्जेंस? वो इनफ कन्वर्जेंस होते हैं 25 कन्वर्जेंस इन वन वीक। आपको कुछ भी हो जाए 25 कन्वर्जेंस चाहिए होंगे एक वीक में। कन्वर्जेंस मीन्स जो भी आपने इवेंट डाल के रखा है। अगर जैसे यहाँ पे मैंने परचेस डाला हुआ है तो मुझे 25 परचेस चाहिए होंगे एक हफ्ते में, तब जाके यहाँ पे पिक्सल काम करना शुरू करेगा, तब जाके ये ऐड ऑप्टिमाइज होना शुरू होगा और उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा लाइकली हो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के। तो यहाँ पर इसलिए ये एरर आ रही है। मैं आपको अगर ये 25 का फिगर पे आपको डाउट हो रहा हो तो मैं एक बार नीचे जाके आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, तो ये फेसबुक किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस के लिए। यहाँ पे मैं एडिट करके आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ने के लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ कन्वर्जेंस आपको दिख रहा है, यहाँ कन्वर्जेंस में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ड्राइव डिसीजन मेकिंग फ्रॉम पीपल शोइंग द मोस्ट इंटेंट, इफ यू हैव हैड एट लीस्ट 25 कन्वर्जेंस इन द पास्ट वीक यू कैन स्टार्ट अ कैंपेन हियर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 25 कन्वर्जन आपको एक वीक में चाहिए, इफ यू हैव एटलीस्ट 25 कन्वर्जन इन द पास्ट वीक। तो आपको एटलीस्ट 25 कन्वर्जन चाहिए एक वीक में, तभी जो है आपका एड ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है, वापस चलते हैं यहाँ पर मैंने परचेज सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे परचेज सिलेक्ट किया है, मेरे पास भले ही परचेज नहीं है तो इसलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ है इस तरह के ऑफर्स देता हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी से परचेज मिल जाए, फिर उसके बाद जो है मैं अपना मार्जिन के लिए कुछ अपनी प्राइसिंग वगैरह बढ़ाता हूँ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ जिससे आपसे मुझे अच्छे मार्जिन भी मिल सके। पर यूजुअली मैं परचेज पे ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि एक वीक में मुझे 25 परचेजेस मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव ऑफर, ये काफ़ी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बजट और शेड्यूल, अगर आप ऐड को देखते रहेंगे तो आपको कोई शेड्यूल करने की भी जरूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई है ऑडियंस की, तो ऑडियंस के लिए आप सिंपल ही रखें। यहाँ पर मैंने इंडिया 18-25 जेंडर सभी टारगेटेड है। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में मैं जैसे बाइक ऐड को ही, बाइक टी शर्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोटरसाइकिल्स। ये उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्टेड है, और साथ में नैरो डाउन कर देता हूँ मैं यहाँ पर उन लोगों को टारगेट करें जो कि टी शर्ट्स में भी इंटरेस्टेड है। तो मोटरसाइकिल और टी शर्ट, वो लोग जो कि मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड है, एंड मस्ट ऑल्सो मैच टी शर्ट, और वो लोग जो कि टी शर्ट में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। और मेरा जो पोटेंशियल रीच है यहाँ लिखा आ गया है कुछ 38 मिलियन लोग हैं, 38 मिलियन लोगों तक मेरा ये ऐड पहुँच सकता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट डाल सकता हूँ मैं ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। प्लेसमेंट मीन्स मैं कहाँ पर चाहता हूँ अपना ऐड दिखाना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे या फिर मैसेंजर पे। तो अगर मैं मैनुअल पे कर दूंगा तो मैनुअल में मैं अगर चाहूँ को कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड जाए तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूँ तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यूज़ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स टू मैक्सिमाइज योर बजट टू हेल्प शो योर एड्स टू मोर पीपल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके बजट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुँचा देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक डिलीवरी सिस्टम विल एलोकेट योर एड सेट्स बजट अक्रॉस मल्टीपल प्लेसमेंट्स बेस्ड ऑन वेयर दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। तो फेसबुक का जो डिलीवरी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारा ऐड उन्हीं जगहों पे दिखाएगा जहाँ पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसलिए ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारा ऐड सेट रेडी हो गया है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करके ऐड पर जा सकते हैं और अपना ऐड बना सकते हैं। अब ऐड बनाने में तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ऐड आपको, आपके पास इमेज होगी, आपका टेक्स्ट होगा कुछ ना कुछ, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एरर आ रही है कि कोई वेबसाइट यूआरएल नहीं है, तो आपको वेबसाइट यूआरएल डाल दीजिए। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का कैंपेन, अलग अलग टाइप का ऐड भी बना सकते हैं, कैरेसेल मतलब कि मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं, कलेक्शन डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक सिंगल इमेज बनाकर, एक छोटा सा ऐड बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। यहाँ पे ऐड इमेज पे जाकर कोई इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी के लिए ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली। तो
ये इमेज आ गई है और यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट डाल देता हूँ, जिससे कि आप वो वाली वेबसाइट डालिएगा जहाँ पे कि आपका एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे वेबसाइट डाल दी है, यहाँ पे मैंने प्राइस डाल देता हूँ ₹599। यहाँ पे छोटा सा हेडलाइन डाल सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब कहाँ दिखेगा, कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं जो कि लोगों को दिखने वाला है। तो अभी के लिए मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, तो आपको यहाँ पर सोच कर थोड़ा टेक्स्ट डालना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। यहाँ पर जो बटन है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर शॉप नाउ का बटन है, यहाँ पे मैं शॉप नाउ जाता हूँ। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे व्यू मोर वेरिएशंस पे जाके सभी प्लेसमेंट्स जो हैं मुझे दिख जाएंगे। ये कुछ इस तरह का ऐड दिखने वाला है, 50% ऑफ ऑन बाइक टी शर्ट जो मैंने अभी डाला, बाइक टी शर्ट, यहाँ पे एक प्राइस भी आ जाएगी और शॉप नाउ का बटन होगा। तो इस तरह के अलग अलग जगहों पे किस तरह का मेरा ऐड दिखने वाला है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है। तो इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेरा पिक्सल जो है ट्रैक करता रहेगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्म्ड है, और यहाँ पे मैं सीधे जैसे ही पब्लिश करूँगा मेरा ऐड जो है पब्लिश हो जाएगा। तो ये था कन्वर्जन कैंपेन, इतना सिंपल है इसको बनाना, पर सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो नहीं बताई, जैसे स्पेशली अभी तक आपके पास पिक्सल नहीं होगा, पिक्सल आपने वेबसाइट पर ऐड नहीं करा होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। या फिर अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई सिंपल तरीका ऐड बनाने का, तो मैं एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी डाल सकते हैं कैटलॉग का यूज़ करके। उसके अलावा मैं कुछ और एडवांस तरीके भी बताने वाला हूँ जिससे कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप ला सकें कन्वर्जन कैंपेन, क्योंकि ये एक इशू आता है लोगों को कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो एक वीडियो उस पर भी रहेगा। तो अगला वीडियो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप पिक्सल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और पिक्सल को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना ऐड बनाने के लिए। So thank you for watching.